प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स हॉस्पिस रोगियों की बची हुई जिंदगी सर्वोत्तम ढंग से व्यतीत करने में सहायता करती है। हम जिंदगी में कुछ और क्षण तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम दिनों में जिंदगी जोड़ने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। ये हमारा नदी के किनारे स्थित स्थान, जो कि शहर के केंद्र में है, रोगियों व प्रियजनों के लिए स्वर्ग समान है। साथ ही साथ यहाँ चिकित्सा पेशेवरों की एक विशेषज्ञ टीम भी है। हमारी हॉस्पिस में आपका स्वागत है। हॉस्पिस जीवन घटाने वाली बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए और उनके परिवार वालों को विशेष प्रकार की देखभाल प्रदान करती है, और ये देखभाल क्लिनिक या हॉस्पिटल में दाखिल करके कहीं भी की जा सकती है। ये देखभाल कैंसर और अन्य जीवन घटाने वाली बीमारियों, हृदय फेलियर से लेकर तंत्रिका संबंधी बीमारियों तक से ग्रस्त लोगों के लिए है। हमारे पास एक वाइडनिंग एक्सेस प्रोजेक्ट भी है, जो पूरी कोशिश करता है कि हमारी देखभाल उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जैसे कि धार्मिक अल्पसंख्यक या सीखने संबंधी कमजोरियों से ग्रस्त लोग। हॉस्पिस की देखरेख न केवल जीवित लोगों के लिए है, बल्कि उनके लिए भी जो जीवन के आखिरी मोड़ पर है। हम रोगियों की अधिक से अधिक अच्छे तरीके से जीने में सहायता करते हैं, जहां उनके प्रियजन भी उनके आसपास हों। हम शारीरिक तकलीफों जैसे कि दर्द, बीमारी और सांस की दिक्कतों के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हम आपको और आपके परिवार को भावनात्मक और सामाजिक सहायता और जरूरत पड़ने पर आर्थिक और व्यवहारिक सलाह भी प्रदान करते हैं। क्योंकि हम एक रजिस्टर्ड चैरिटी हैं, हम जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ हम मरीजों के विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वासों और जीवन के अनुभवों का भी आदर करते हैं। हम वयस्कों की देखभाल प्रदान करते हैं, और हमारे ब्रिक बाई ब्रिक अभियान के अंतर्गत हमारा लक्ष्य है कि हम आयु सीमा को घटाकर 15 वर्ष से ऊपर वाले लोगों के लिए उपलब्ध करें। किसी प्रियजन की मृत्यु का सदमा झेलने वाले युवाओं के लिए हमारी एक चिल्ड्रंस बिरीवमेंट सर्विस यानी बाल शोक सेवा 2 से 18 वर्ष की उम्र वालों के लिए एक मित्र समान सहायता है। हॉस्पिस की देखभाल के लिए रेफर किया जाना डरावना भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में अक्सर इसका उल्टा ही सच होता है। हमारा विशेष रूप से प्रशिक्षित स्टाफ अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, और ये सेवाएं ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए बनाई गई हैं जो अंतकालिक बीमारी से ग्रस्त हैं। हम अंतिम कड़ी नहीं हैं, बल्कि हम पहली कड़ी हैं जिसे आप सहायता के लिए सबसे पहले आवाज दे सकते हैं। हम रोगियों व उनके नजदीकी लोगों को ऊंचे स्तर की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रदान करने वाली देखभाल उपलब्ध कराते हैं। हमारी सेवाएं गहरी पहुंच वाली और समावेशी हैं, क्योंकि इनको रोगियों एवं देखभालकर्ताओं से सलाह मशवरा करने के बाद ही इनको शामिल किया जाता है। हमारी इन पेशेंट यूनिट ऐसे लोगों के लिए है जिनकी ज़रूरतें जटिल किस्म की होती हैं और जिन्हें हमारी हॉस्पिस टीम ही पूरा कर सकती है। इन्हें मूल्यांकन और देखभाल प्रदान करने के लिए इन पेशेंट यूनिट में भर्ती किया जाता है। इन यूनिट्स में योगियों की ज़रूरत के आधार पर कुछ रोगी अपने लक्षणों पर काबू करवाने के लिए कुछ दिनों के उपचार के लिए आते हैं, और कुछ लंबे अवसर के लिए, और कुछ जीवन के अंतिम दिन व्यतीत करने आते हैं। हम आपकी अपनी जगह पर भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। हॉस्पिस देखभाल पाने वाले अधिकतर लोग घर पर ही रहते हैं।
हॉस्पिस सामुदायिक टीम आपको घर के सहूलियत भरे वातावरण में सप्ताह के सातों दिन सलाह मशवरा प्रदान करती है और साथ ही साथ हमारी एक रिहैबिलिटेशन सेवा भी है जो रोगियों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होने में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त आप और भी अनेक पूरक थेरेपीज को आजमा सकते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी से लेकर रेकी, एरोमा थेरेपी से लेकर मालिश, तनाव से मुक्त होने, विश्राम करने तथा अच्छी नींद प्राप्त करने में सहायता के लिए भी हम कुछ न कुछ आपके लिए प्रयास अवश्य करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो जाहिर है कई बार परिवार वालों की व मित्रों की ज़रूरतें नज़रअंदाज हो जाती हैं, इसलिए हमने अपनी सेवाओं को इस प्रकार बनाया है ताकि जीवन घटाने वाली बीमारी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हमारी देखभाल से महरूम ना हो। इसी कारण हम फैमिली सपोर्ट सर्विसेज यानी परिवार सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारी टीम परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा रोगियों की भावनाओं, सामाजिक एवं पारिवारिक आवश्यकताओं का पता लगाती है। इस प्रकार हर व्यक्ति को उम्मीदों, भय और चिंताओं को जाहिर करने का अवसर मिलता है। हम सभी धार्मिक भावनाओं, विश्वासों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित स्थान का इंतजाम भी करते हैं। इस प्रकार दर्द से आराम प्रदान करने से लेकर आर्थिक सहायता तक या घर में अनुकूल बदलाव लाने हो, इन सब बातों में हॉस्पिस आपकी मदद कर सकती है। The hospice is about getting people as well as possible for as long as possible. So a big part of that and a big part of what I do is about physical symptoms and managing things like pain or nausea or breathlessness. But beyond that, within palliative care, we're looking at managing people's physical, psychological, spiritual issues as well, social. So we look after the patient, and they're the middle of things, but we also look after the families and the carers and the loved ones as well, and try and help and support them as much as possible. And we know people for, some people for very short periods of time, but some people for very, very long periods of time. So everybody's treated as an individual, and that's kind of important part of palliative care as a whole as well, is that everybody is different. No one solution will fit every single person, and it's about tailoring their care and tailoring their support for them. Everyone who's involved in the hospice has got significant experience in dealing with people with a whole range of different medical conditions. So all of the consultants are specialists trained in palliative care and how to look after patients with a range of different conditions. One of the advantages of the hospice is that we do have higher staffing ratios in terms of nursing staff, but also other people, so occupational therapists, physiotherapists, volunteers, carers. And the main advantage of that is time. We have more time to get to know the patient, and that can be really, really helpful. And it can be any member of the team, because we've got that more time to have those conversations, to get to know the people, and for them to get to know us as well. There can be information that we get over the course of a couple of weeks that really helps shape how their care is provided and where they want to go and how they want to take things forward from there. So it gives us much more scope to form relationships with people and hopefully to be able to look after them better as a result. चाहे आप किसी भी नस्ल या धर्म के क्यों ना हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारी सेवा की विशेषता का लक्ष्य उन सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए आप हमसे संपर्क करें और जानें कि हमारी हॉस्पिस आपकी क्या सहायता कर सकती है।